डी स्टूडेंट्स द टॉपिक है इसका ये मतलब है यहाँ पे इन केस एनी अनसर्टन सिचुएशन अराइज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी एम्प्लॉज बिकम इंजर्ड ड्यू टू दैट एक्सीडेंट उसको बाद में कम्पनसेट कैसे करना है इसको हम बोलते हैं वर्कर्सेशन दर्कर्सेशन डिवेल्प एज अ वे टू अलाउ इंजर्ड एम्प्लाईज

कि वो एम्प्लॉय को हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करें नंबर टू रिडक्शन ऑफ कास्ट टू एम्प्लॉयज एसोसिएटेड विद वर्क प्लेस इंजरीज फॉर एग्जांपल लीगल इमेज एंड मोबाइल कॉस्ट एक्सेट्रा एम्प्लॉयज को भी हेल्प करें एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेस पे चलते हैं लेकिन अहम पॉइंट यह स्टूडेंट्स ये है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी इंटेग्रेटी रिस्पेक्ट फाइनेंशियल लॉस उसका फिजिकल लॉस इन केस ऑफ एनी स्वीर इंजरी अगर वो शख्स छः माह तक अपनी वर्क प्लेस पर नहीं जा सकता छः माह तक उसको फाइनेंशियल कंपनसेट इतना करें कि वो आसानी से अपनी जो लिवलीहुड है वो अर्न कर सके छः माह तक आसानी के साथ वो घर की ग्रॉसरीज को परचेज कर सके छः माह तक अपने बीवी बच्चों के एक्सपेंस मीट कर सके बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट कर सके वर्कर कंपनसेशन रिप्रेजेंट आ कंप्रोमाइज बिटवीन द नीड्स ऑफ एम्प्लॉ एंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रही है स्टूडेंट्स इसको हम दोबारा देखते हैं वर्कर्स कम्पनसेशन जो है वो रिप्रजेंट करता है किस चीज़ को आ कम्प्रोमाइज बिटवीन नीड्स ऑफ एम्प्लॉ एंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लाई की नीड को एम्प्लॉयर की नीड को कम्प्रोमाइज़ करता है यहाँ पर अब वो क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहा है अगर इम्प्लाई का ख्याल ना रखा जाए तो एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर जाएगा एम्प्लॉयर का ख्याल ना रखा जाए तो उसके अंडर 500 हंड्रेड एम्प्लॉज़ हैं उसने सब एम्प्लॉयज़ को देखना होता है तो यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंपनसेशन के जो लाज बने हैं उससे पहले वहाँ पे अक्सर ऐसा होता था कि अगर किसी को कोई इंजरी होती थी तो वो एम्प्लॉ एम्प्लॉय पे केस करता था और वो केस कोर्ट में जाके सेटल होता था उसके बाद उस एम्प्लॉ को कंपनसेट किया जाता था लेकिन उसके बाद जब प्रॉपर पर लाज बन गए तो इस किस्म के इवेंट्स काफ़ी हद तक कम हो गए वर्कर्स कंपनसेशन लाज आर नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम स्टेट टू स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सी स्टेट्स हैं आपको मालूम है अबाउ फिफ्टी स्टेट्स वहाँ काम कर रही हैं और हर स्टेट के अंदर ये लाज डिफरेंट है इनफैक्ट देर आर एक्सट्रीम वेरिएशन एक स्टेट में अगर फर्ज करें टेन थाउजेंड डॉलर किसी इम्प्लॉ को मिलते हैं कंपनसेशन के हो सकता है वही न्यूयॉर्क स्टेट में थर्टी थाउजेंड डॉलर मिल रहे हों इसका मतलब है कि ये जो लॉज हैं ये डिफर कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाउ एवर रिगार्डलेस ऑफ द लेजिस्लेशन रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज इन इन लेजिस्लेशन अ स्पेसिफिक स्टेट वर्कर्स कंपनसेशन एज अ वाइडली एक्सेप्टेड एक्सेप्टिव वो लिटिल बिट वेरिएशन तो हो सकती है लेकिन उन सब स्टेट्स के कॉमन ऑब्जेक्टिव सेम हैं नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कि जो कंटिन्यूस इनकम वो बंदा कमा रहा था उसकी रिप्लेसमेंट उसको मिलनी चाहिए रिहेबिलेशन ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय इंजर्ड एम्प्लॉय की रिहेबिलेशन उसको दोबारा से उस जगह पे लेके आना इसको रिहेबिलेशन बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स और इस किस्म के मैय करना कि उस किस्म का एक्सीडेंट दोबारा ना हो जब आप किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियली कंपनसेट करते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट इंप्लायर भी करता है तो एम्प्लॉयर की कोशिश होगी कि उस किस्म का इंसिडेंट दोबारा ना हो कास्ट एलोकेशन वो जो कास्ट टोटल कास्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने की डेफिनेटली इम्प्लायर की जानब से ये उसकी कास्ट में इजाफे का बास बनेटरिकल परस्पेक्टिव डी ए स्टूडेंट्स हम देखते हैं बिफोर वर्कर्स कंपनसेशन लॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंजर्ड एम्प्लाइज इंजरीज इस मुकम्मल स्लाइड का एक मतलब है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर 100 हंड्रेड ईयर्स की बात करें उससे पहले तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फार्म के अंदर प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशन नहीं थे जो कि इम्प्लाइज़ को कम्पनसेट किया जाता इम्प्लॉज की कम्पनसेशन हमेशा कोर्ट में जाके सेटल होती थी इसके बाद में जब उन्होंने देखा कि ये रूटीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टेट लेवल पे कंपनसेशन के अंदर कमेटीज सोसाइटीज और वहाँ पे बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई ताकि एम्प्लॉय की कंपनसेशन का ख्याल रखा जा सके अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी मैनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रायर टू पैसेज ऑफ वर्कर कंपनसेशन, इम्प्लाइज़ ऑफन हैड टू सू देयर एम्प्लॉय देखिए ये कैसा पॉइंट है कि जो एम्प्लॉय था उस पर केस किया जाता था एम्प्लॉयज की तरफ से जब तक एम्प्लॉई एम्प्लॉर्ज पर केस नहीं करता था उस वक्त तक एम्प्लॉर्ज उनको कंपनसेट नहीं करता था सेकेंड द एम्प्लॉई वॉज डिसबल्टसीडेंट आर ऑकोपेशनल डिजीज बाद एम्प्लॉ फौत हो जाता था उसके लीगल एग्जीक्यूटर कानूनी वसा उसको प्रसू नहीं करते थे और इम्प्लॉय कंपनसेट नहीं करता था लेकिन बाद में इस किस्म के जो एक्सीडेंट्स हुए उनके ऊपर प्रॉपर लाज बन गए पाकिस्तान में भी इसके ऊपर लाज हैं अगर इन केस ऑफ इन सर्विस एनी विल बी डाइड उसको एक रीजनेबल हैंडसम अमाउंट पे की जाती है उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को कानूनी पूरा को पे किया जाता है ताकि वो रीजनेबल वे में अपनी बाकी की जो जिंदगी है वो स्पेंड कर सकें हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव अगर देखा जाए द इंजरी माइट द जॉब वर् कंसिडर्ड आर्गनाइजेशन में जितने भी हैज़ेट ज़्यादा होंगे जितने भी प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, इम्प्लाइज की तरफ से हो, वर्क प्लेस के ऊपर हो या एम्प्लाई अंडर स्ट्रेस हो कोई भी वजूहत हो सकती हैं उतने ही वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं वर्कर नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आ फेलो वर्कर ऑन द इंजर्ड एम्प्लाई क्लियरली काज द इंजरी इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है कि वर्कर्ज नेग्लिजेंस बहुत बहुत इम्प्लाई की अपनी नेगलिजेंस होती है जिस वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है चाहे उसकी अपनी नेगलीजेंस है ऑर्गेनाइजेशन की नेगलिजेंस है सुपरवाइजर की नेगलिजेंस है या इमीडिएट बॉस जो है उसकी नेगलीजेंस है लेकिन कंपनसेट आप फिर भी उसको करेंगे क्यों करेंगे ताकि वो एम्प्लॉ अपनी जो लाइफ है उसको बेटर वे में स्पेंड कर सके वर्कर्स कंपनसेशन लेजिस्लेशन वर्कर्स कंपनसेशन के ऊपर बहुत सी कानून साजी की गई कानून बनाए गए और इस वक्त प्रॉपर कानून मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्कर्स कंपनसेशन के ऊपर इन फैक्ट द फर्स्ट वर्कर्स कंपनसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड नॉट पास नाइनटीन जीरो एट उन्नीस सौ आठ से पहले प्रॉपर लॉज मौजूद नहीं थे डियर स्टूडेंट्स ये फिगर मैंने आपके लिए ऐड किया यहाँ पे 1908 के बाद में लाज बनने शुरू हुए लेकिन बिजनेस तो हमें मालूम है दुनिया में ये बहुत पहले से चल रहा है नाइनटीन जीरो एट से पहले फिर कैसे कंपनसेशन प्लान किया जाता था जो मैं अभी आपको बता रहा था कंपनसेशन के लिए एम्प्लाईज़ जिनको अवेयरनेस थी वो कोर्ट में सू करते थे अपने एम्प्लायर के अगेंस्ट कोर्ट उनके केस सेटल करते थे लेकिन अब इस किस्म की जरूरत पेश नहीं है अब आउट ऑफ द कोर्ट ये केसेस सेटल हो रहे हैं हाउ एवर इट वॉज शार्ट लिव रूलिंग दैट दाव वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द मॉन्टेना कोर्ट ओवर टर्न इट लेकिन इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हुआ कि इसकी अपील की गई उन्नीस सौ ग्यारह में द न्यू यॉर्क कोर्ट ऑफ अपील डेल्टेंट्स ऑफ दर्कर्स दी वर्कर्स कॉम्पनसेशनियस विलो उन्नीस सौ ग्यारह में जो न्यू यॉर्क कोर्ट है उसने देखा उसने कहा कि यह वाकई बहुत सीरियस इश्यूज़ है

एम्प्लॉ की मेडिसिन को देखते हुए एम्प्लॉ की हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए एम्प्लॉ को कितना ज़्यादा उसके लिए मेडिकल के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं इसको देखते हुए एम्प्लॉ को कंपनसेट करना शुरू कर दिया गया अर्ली प्रोपोन ऑफ वर्कर कम्पनसेशन इवेजेंट सिस्टम इन विच बोथ इंजर्ड वर्कर एंड देर एम्प्लॉयज वुड विन एम्प्लॉ एम्प्लायर के लिए इस किस्म का मैकेनिज्म ला डेवलप किया गया जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी ताकि दोनों को उसका नुकसान ना हो डियर स्टूडेंट्स ये पिक्टोरियल इफेक्ट है डिसबिलिटी वर्कर्स कैम्प इन केस ऑफ एनी डिसबिलिटी वट विल हैपन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने इम्प्लाई का ख्याल रखती हैं यहां तक भी कहा गया है कि जापान की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टिल डेथ एम्प्लॉई का ख्याल रखती हैं

अब ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लायर ने भी इंश्योरेंस करवाई होती है अपने एम्प्लॉयज़ की उससे कंपनसेट करके एम्प्लॉय को कंपनसेट कर दिया जाता है द रेडिकल डिफरेंस अमंग वर्कर कंपनसेशन लॉज पास बाई द वेरियस स्टेट्स सबसे अहम पॉइंट ये है कि बहुत रैपिडली इसके ऊपर काम किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन लॉज को एग्जीक्यूट किया गया आल दो के कम्पनसेशन डिफरेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह पे टेन थाउजेंड डॉलर है दूसरी जगह पे ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर है लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वहाँ कंपनसेट एम्प्लॉय को नहीं किया जा रहा तमाम स्टेट्स के अंदर एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जा रहा है और एम्प्लॉय की इंजरी के हिसाब से उनको कंपनसेट किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जा रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉयज प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कास्ट एलोकेशन